हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ट्रेंडी फैशन अंजू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह से मोजे बनाना सिखाऊंगी। आप ये मोजे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हो। जैसे अगर आपके बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं सर्दियों के, तो आप उससे बना सकते हो। तो इसके लिए हम नाप लेंगे। तो हम इसमें पैर का नाप इस तरह से लेंगे, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पे हम अंगूठे के पास में इंच टेप रखेंगे और एड़ी तक हम नाप लेंगे। तो हम मेरा जो नाप है वो 9.5 इंच आ रहा है। तो इंच में आप चाहो तो लूजिंग रख सकते हो, वैसे ये स्ट्रेचेबल होते हैं, रहने की ज़रूरत नहीं है। पर पैराई है इस पूरी भाग है, इसकी चौड़ाई मेरी 9 इंच है, लेकिन इसमें मैं 1 इंच की लूज डालूंगी, तो ज़्यादा लूज हो जाए सिल्क एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच की इसकी चौड़ाई आ गई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसमें से चौकोर पीस कटिंग करेंगे 10 बाई 11 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। ये जो हमारे 2 पीस हैं, अभी इसके ऊपर हम पैर रख कर देख लेंगे कि ये ठीक हो रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक नाप का आ रहा है। तो इस तरह से अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे, तो ये हमारे 2 पीस बन जाएंगे, एल और डब्ल्यू है। इसे जोड़ने में आसानी हो। अभी हम इसे लेंथ वाली साइड से फोल्ड करेंगे, जहाँ से हमारी लेंथ है वहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना पैर फिर से रखेंगे, और जहाँ तक हमारा आपने इसको बंद करना है जुराब को, वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 4 इंच तक हमें इसे बंद रखना है। तो 4 इंच तक निशान लगाने के बाद यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाएं। सिलाई का जो टांका है वो कच्चा रखें, क्योंकि ये कपड़ा मोटा है, तो इसलिए यहाँ पर कच्चा टांका ही चलेगा। अगर आप यहाँ पर पक्का टांका कर देंगे तो ये सुई टूट जाएगी। तो अभी ये पैर में डाल के देख लेते हैं कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम इसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पर अब हम अपने अंगूठे का और पंजे का निशान लगाएंगे, जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ से ये हमारा अंगूठा है वहाँ तक हम 2.5 इंच के ऊपर बीच में निशान लगाएंगे, अंगूठे और उंगलियों के बीच में, और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा रही है। उल्टी साइड आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा निशान। और अभी हम इस कच्ची सिलाई को थोड़ा और पक्का कर देंगे, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे, बिल्कुल आराम रहा। अभी बीच का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसे कट कर देंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे, ताकि पैर में डाल के देख सकें कि ये अंगूठे की शेप और पंजे की उंगलियों की शेप ठीक से आई है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोजा बनके तैयार हुआ है। और पीछे की साइड हम देख लेंगे कि कितना हमें और फिट करना है। तो देखिए, इस तरह से जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, इस यहाँ तक हमें फिट करना है, क्योंकि ये बहुत ढीला है।
ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है और खींचता है, इसलिए ये ढीला हो गया है। अभी ये जो मोजे की ऊपर वाली साइड है जिसमें से हम पैर को ऊपर डालेंगे, पैर को अंदर डालेंगे, वहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मोहरी वाली साइड में सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक इस तरह से नाप ले लेंगे। तो यह हमारा जो नाप था वो 9.5 इंच था, तो हम 9.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को हम डबल कर देंगे, यानी कि इसे हम पक्का कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके अब हम पैर में डाल के देखेंगे कि हमारी ये प्रॉपर फिटिंग आ रही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारे मोजे की फिटिंग आई है। आप इस तरह से जो आपके स्टिचिंग मटेरियल के होते हैं गर्म सूट, उससे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और लूज़ हो रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा और टाइट कर लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है आप जानते हैं, तो ये खींचता है और लूज़ हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे फिट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मोजा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको आज की तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन